अगर पिछले साल वर्ल्ड कप नहीं हुआ होता तो ये मैच इस सीजन का मोस्ट अवेटेड मैच बन सकता था। नवंबर में वर्ल्ड कप में विराट कोहली और नवीन उल हक की दोस्ती हो गई, और अब गौतम गंभीर भी लखनऊ छोड़ के कोलकाता चले गए हैं। हियर इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग, वहां भी दोनों की सुलह हो गई, तो अब रह क्या गया इस लीग में देखने के लिए, सब एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। बट हिस्टोरिकली जब भी ये दो टीम आमने सामने आई है, हमेशा कुछ ना कुछ मसाला तो मिला ही है। So today we are going to talk about Bangalore versus Lucknow. लखनऊ एंड बैंगलोर की टीम आमने सामने टोटल 4 बार आई है अभी तक, और उसमें से 3 बार बैंगलोर जीती है, लखनऊ सिर्फ 1 बार, और वो भी बहुत ड्रामे के बाद। और उसके बाद क्या हुआ ये तो सबको पता है, बट बैंगलोर इज फेमस फॉर अनादर थिंग, वो कभी भी अपने होम टाउन में इजीली जीत ही नहीं पाती है। आउट ऑफ 84 मैचेस दैट बैंगलोर हैज प्लेड इन चिन्नास्वामी स्टेडियम, वो सिर्फ 40 जीत पाई है आज तक। तो आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ इस बार चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैंगलोर को हरा देगी? If you think Bangalore का curse काम करेगा और वो हार जाएगी, select yes. And if you think not that easy, विराट कोहली है टीम में, select no. अब बैट्समैन तो अपना काम करेंगे, लेकिन बैंगलोर की बॉलर्स से ज्यादा उम्मीद नहीं है। Now the most interesting face off of this match is going to be Mayank Yadav versus Virat Kohli. Now interestingly ये Mayank Yadav का दूसरा ही मैच है, और पहले मैच में उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया that every cricket legend is talking about him. इस सीजन की fastest delivery का उन्होंने रिकॉर्ड सेट करा at 155.8 kilometers per hour. He single-handedly took the match away from Punjab. अब जहां बैंगलोर को इतने सालों में 17 सालों में एक भी अच्छा बॉलर नहीं मिला है, वहां लखनऊ को हर साल एक स्टार बॉलर मिल जाता है। लेकिन इस बार जब मयंक यादव के सामने इस लीग के, इनफैक्ट इस वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन आएंगे, तब भी क्या वो ये परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? Will he let Virat Kohli score more than 50 runs in this match? If you think this is definitely going to happen, select yes. And if you think Mayank Yadav यहाँ पर भी अपना जादू दिखा देंगे, select no. Mayank Yadav को शायद इस मैच में एक reality check मिल सकता है। Honestly, reality check तो KL Rahul को भी मिल गया है as a captain. As a captain, उनका performance has been so poor कि शायद इसीलिए लखनऊ उन्हें impact player की तरह खिला रही है। इनफैक्ट पिछले मैच में भी निकोलस पुरान लेड द टीम अगेंस्ट पंजाब एंड वन द मैच। केएल राहुल माइट और माइट नॉट प्ले एज एन इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन बैंगलोर के सामने उनका परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है। 628 रन्स अगेंस्ट बैंगलोर इन 15 मैचेस, एवरेजिंग 70। क्या केएल राहुल अपनी एवरेज मेंटेन कर पाएंगे? एंड ही विल स्कोर अनदर 50। इफ यू थिंक दिस विल हैपन, सेलेक्ट यस, इफ नॉट देन सेलेक्ट नो। राहुल की ये फेवरेट टीम है और एक्स टीम भी, सो आई गेस वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ लेट्स कम टू द फेवरेट सेगमेंट ऑफ द शो, दैट इज डिस्कसिंग अबाउट द पावर प्लेयर। पावर प्लेयर इन दिस मैच वी बिलीव इज गोइंग टू बी विराट कोहली। पिछले दो मैचेस में वो 50 स्कोर कर चुके हैं, प्रोबेबली इस मैच में भी वो 50 तो एटलीस्ट स्कोर कर लेंगे और अपनी 50s की हैट्रिक बना लेंगे। एंड वी ऑल नो दैट विराट कोहली इज प्लेइंग कंप्लीटली इन फॉर्म इस सीजन में। अब अगर आपको लगता है कि आपको भी क्रिकेट इन एंड आउट पता है, ये तो हमारी इनसाइट से, इफ यू वांट टू टेस्ट योर क्रिकेट इनसाइट, यू कैन ऑलवेज डू दैट ऑन MPL Opinion।